विश्रामपुर। विश्रामपुर पुलिस अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में संयुक्त रूप से एसडीपीओ के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में विश्रामपुर, पांडू, रेहला, उंटारी रोड व नावा बाजार के थानेदारों सहित सशस्त्र बल के सैकड़ों जवानों के अलावा इंस्पेक्टर भी थे शामिल। होली, रमजान एवं लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने एवं क्षेत्र में शांति व विधि व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से विश्रामपुर पुलिस अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में संयुक्त रूप से एसडीपीओ आईपीएस राकेश सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में आईपीएस राकेश सिंह के अलावा पांडु पुलिस अंचल के इंस्पेक्टर रामाशीष पासवान, विश्रामपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे, रेहला थाना प्रभारी संतोष कुमार दास, पांडु थाना प्रभारी कुमार सौरभ, उंटारी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह, नावा थाना प्रभारी चिंटू कुमार के अलावा कई सब इंस्पेक्टर व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सहित सशस्त्र बल के सैकड़ों जवान शामिल थे। बाइक पर सवार होकर निकला फ्लैग मार्च पुलिस अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों के शहरी व ग्रामीण इलाकों में बाइक के अलावा पैदल मार्च भी कर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने का संदेश दिया। इस दौरान आईपीएस राकेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अनुमंडल के सभी सेंसिटिव जगहों के अलावा सभी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति में सशस्त्र बलों को तैनात कर हर गतिविधियों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न कराया जा सके। जी, अभी ये होली और चुनाव और रमजान भी चल रहा है तो सबको लेके हम लोगों ने हमारे क्षेत्र के इंस्पेक्टर साहब हैं और इस पूरे अनुमंडल के सारे थानाधिकारी वगैरह सारे लोगों के साथ फोर्सेस के साथ हम लोगों ने हर एरिया में जा जा के फ्लैग मार्च किया हुआ है और लोगों को हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि पुलिस की प्रेजेंस हर जगह है, वो अपना भयमुक्त वातावरण में अपना त्यौहार मनाएं, अपना चुनाव में पार्टिसिपेट करें। और इसके माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाह रहे हैं जो क्रिमिनल और जो आपराधिक तत्व के लोग हैं कि किसी भी तरह की अगर वो कोई भी अराजक एक्टिविटी अगर वो करते हैं तो पुलिस उन पर सख्त नज़र रख रही है और तुरंत उन पर एक्शन लिया जाएगा। सर, आचार संहिता है सर, इस पर जनता को क्या कहना चाहते हैं? इस पर जनता को यही कहना चाहेगा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है तो इस पर्व में जितनी भारी मात्रा में आगे आके वो अपना वोटिंग करें और अपना जो एक मत का अधिकार है उसका दुरुपयोग करें और जनता को एमसीसी से कोई भी परेशानी कोई भी समस्या नहीं होती है। सिर्फ ये एमसीसी जो लागू होता है वो सारे पार्टियों को सारे जो नेता होते हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने के खातिर दिया जाता है तो सब मिलके इस पर्व को एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्व बनाएं, यही सबसे गुजारिश है और सब भारी से भारी मात्रा में आके वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक जोन सेकंड हैंड बाइक शोरूम फटिया मोड़ डीएवी स्कूल के पास रेहला रोड गढ़वा। यहां सभी कंपनियों का सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दो पहिया वाहन की खरीद एवं बिक्री की जाती है। जी हां, बाइक जोन सेकंड हैंड बाइक शोरूम में बहुत ही अच्छा कंडीशन में जांचा परखा हुआ सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दो पहिया वाहन वो भी 3 महीने वारंटी के साथ बिल्कुल आपके बजट में उपलब्ध है। हमारा पता है बाइक जोन सेकंड हैंड बाइक शोरूम फटिया मोड़ डीएवी स्कूल के पास रेहला रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।